हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप आसानी से जो है अपना स्टेशनरी शॉप या तो स्टेशनरी का रिटेल बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है आप कहां से माल खरीदेंगे, कौन कौन सा इसमें ब्रांड आती है और किस तरीके से बिज़नेस चलता है, और इसमें एडिशनली हम जो है क्या क्या कर सकते हैं और मार्केट में अभी क्या चल रहा है ये बिज़नेस के रिलेटेड, वो सब चीज़ें जो है ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअल में क्या था कि मैंने जो है YouTube पे सर्च किया था इस तरीके से, तो यहाँ पे जो ये सब वीडियोस दिखा रहे हैं उसमें से ये वीडियो है कि अब 5000 रुपये में जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करो स्टेशनरी का। फिर ये इसमें जो है होलसेल मार्केट जो है कुछ कुछ उसका भी उसमें भी दिखाया है कि ये मार्केट में ये इतने प्राइस में मिलता है ये वो। तो बेसिकली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जो है ऐसे और कलकत्ता, वहाँ पे जो है वो ये होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उसके बहुत बड़े मार्केट्स रहते हैं। बट अगर आप किसी और स्टेट में रहते हैं तो वहाँ से और अगर अपने आपको स्टेशनरी का शॉप का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप वहाँ से जाके लेके आओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी जो है आपको वहाँ से बल्क में ख़रीदना पड़ेगा, और अगर आपको कोई चीज़ ख़राब निकलती है तो रिप्लेसमेंट करने के लिए आप फिर वापस वहाँ पे जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप जो है नियरेस्ट अच्छा सिटी जो आपके, आप अगर छोटे टाउन में रहते हैं या तो टायर टू टायर थ्री सिटी में रहते हैं तो वहाँ से नज़दीक का जो भी सिटी आपको पड़ता है जहाँ से आप आसानी से होलसेलर को ढूंढ सकते हैं या तो डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ सकते हैं तो वहाँ पे जाके आप माल खरीदे तो अच्छा रहता है। तो उसके पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टेशनरी बिज़नेस जो है उसके अंदर एक तो रिटेल शॉप होता है, फिर होलसेलर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे वो भी है प्रॉब्लम वाली कि आजकल जो है मार्केट थोड़ा सा बहुत ही मंदी चल रही है, तो होलसेलर जो रहते हैं वो भी रिटेल बिज़नेस, मतलब अगर कोई कस्टमर जाता है रिटेल का वहाँ पे तो वो डिस्काउंट रेट में वो प्रोडक्ट को बेच देता है। तो आजकल ये भी सिचुएशन है, जैसे ही ऑनलाइन मार्केट जैसे आया था तो ऑनलाइन जो है आपको हम जो रिटेल में जो भाव में बेचते हैं उससे भी सस्ते में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है। उसके अलावा एक और कंपटीशन है ये बिज़नेस के अंदर और वो है मॉल्स। तो मॉल्स में जैसे कि आपको पता ही है कि FMCG मतलब जो है किराना और ये सब जो मतलब जो हम डेली यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें ये लोग बेचते हैं और डिस्काउंट रेट पे बेचते हैं, क्योंकि वो लोग जो है बल्क में परचेजिंग करते हैं। तो उन लोगों ने स्टेशनरी, ज़्यादातर मॉल्स जो है वो स्टेशनरी प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिए हैं, और जो प्रिंटेड प्राइस होते हैं उससे कम प्राइस में वो लोग बेचते हैं, क्योंकि उसमें भी ये लोग जो है डायरेक्ट कंपनी से बल्क में माल जो है ख़रीदते हैं। तो इस बिज़नेस में कॉम्पिटिशन तो है, और जो स्कूल्स कॉलेजेस वो रहते हैं वो भी रिटेल शॉप से प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीदते हैं, वो डायरेक्टली होलसेलर या तो जो कंपनी है उसके साथ ही उनका सेटिंग रहता है, तो वहाँ से भी इतना मतलब कमाने का चांस कम रहता है। फिर भी आपको अगर स्टेशनरी शॉप खोलना ही है और आपके पास मतलब आपके पास आप अपना खुद का शॉप ले सकते हैं या तो आपको भाड़े पे लेना है, तो हो सके तो आप जो है नियर बाय स्कूल या तो कोई ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे, जैसे कि एक एग्जांपल हो गया कि ये ड्राइविंग लाइसेंस आप जो निकालने के लिए जाते हैं, या तो कोई आपका आधार सेंटर है उसके आसपास में है, या तो कोई भी गवर्नमेंट के कागजात जहाँ से निकलते हैं उसका उसके आसपास के बिल्डिंग के आसपास आप कहीं पे शॉप खोल रहे हैं, या तो बहुत सारे हॉस्टल्स हैं स्टूडेंट्स रहते हैं जहाँ पे उसके आसपास में आप अगर खोल रहे हैं, और या तो फिर कोई इंडस्ट्रियल जोन है उसके आसपास में आप खोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप एक ही चीज़ पे डिपेंड रहेंगे तो चलेगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका लोकेलिटी में क्या चलता है। तो स्टेशनरी शॉप, वैसे स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो है एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आजकल जैसे कि किराना स्टोर रहता है तो उनका बिज़नेस जो है ये मतलब छोटे मॉल बड़े मॉल जो है उसने ख़त्म कर दिया है ज़्यादातर, तो वो लोग भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो लोग जो है खिलौने भी बेचते हैं, और वो जो है वो सीजनल चीज़ें भी बेचते हैं। तो आपको भी आपका किस तरीके के एरिया में आपका है उसके बेस पे डिपेंड करता है, तो आप स्टेशनरी शॉप प्लस खिलौने बेचना जो स्टेशनरी के रिलेटेड रहता है, आप ज़्यादा भी बेच सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी शॉप जो है कितनी बड़ी है। और उसके अलावा गिफ्ट आर्टिकल्स जो है वो भी आप रख सकते हैं,
और उसके अलावा जो है आप ज़ेरोक्स मशीन जो रहता है, अब उसमें भी ज़ेरोक्स मशीन जो है उसमें दो तरीके के होते हैं कि जो एकदम सस्ते में करता है और जो छुटक कॉपी करता है। छुटक कॉपी इन द सेंस के भाई सस्ते वाले जो होते हैं वो 1 रुपये में तीन या तो 2 रुपये में, 1 रुपये में दो कॉपी ज़ेरोक्स प्रिंट आउट के निकालते हैं ब्लैक एंड वाइट, और जो छुटक कॉपी बोलते हैं उसमें यही रहता है कि आप जो है पर कॉपी 1 रुपया या तो 2 रुपया लेके ज़ेरोक्स से तो प्रिंट आउट निकालते हैं। कितनी भी क्वांटिटी हो प्राइस वही रहता है, प्राइस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो उसमें ये दो तरीके का होता है, और अगर आप 1 रुपये में तीन या उस तरीके के प्राइस में अगर आप ज़ेरोक्स या तो प्रिंट आउट निकालोगे तो फिर आप स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि किताबें तो नहीं बट पेंसिल पेन या तो फाइल्स है वो सब चीज़ें बेचने में आप अपना इतना कॉन्सनट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जो है बल्क में ज़ेरोक्स या तो प्रिंट आउट में तो वैसे आप फटाफट निकाल लोगे, बट ज़ेरोक्स करना है तो उसको पहले आपको कॉपी करना पड़ेगा, फिर वो ज़ेरोक्स निकलेगी तो उसमें बहुत समय लगता है। तो अगर आप पूरा ज़ेरोक्स का ही प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपको स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो है उसमें थोड़ा सा उसमें कम रखना पड़ेगा, जो मतलब तीन चार अपने पेन के ब्रांड रख लिए, तीन चार पेंसिल के ब्रांड रख लिए, फाइलें रख ली, कुछ जो है नोटबुक्स रख ली, और जो रनिंग आइटम है वही रख सकते हैं आप। ज़्यादा रेंज रखेंगे तो फिर आपको कस्टमर को दिखाने का वैसे टाइम नहीं रहेगा, तो ये भी एक सीनारियो है। और अगर आप जो है छुटक कॉपी जो बोलते हैं वो करते हैं तो आप ज़ेरोक्स भी प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप अपने खिलौने भी बेच सकते हैं, आपको कस्टमर को टाइम रहेगा गिफ्ट आर्टिकल्स की चीज़ें दिखाने में, आप जो है परफ्यूम्स भी बेच सकते हैं और आप जो है सीजनल चीज़ें भी बेच सकते हैं। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पे जो ये जो वीडियोस दिखाए हैं उसमें इतनी सच्चाई नहीं है, 5,000 रुपये में आपका स्टेशनरी का शॉप जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भाड़े पे रखेंगे तो आप समझ लीजिए कि अच्छी लोकेलिटी में 20 से 25 हज़ार भाड़ा रहता है, तो 5,000 रुपये में अगर आप स्टार्ट करोगे तो भाड़ा आप कैसे भरोगे। और इसमें जो है मार्जिन आपका 25 से 30% के आसपास ही रहता है। अगर आप होलसेलर के पास से लोगे और डिस्ट्रीब्यूटर के पास से डायरेक्ट ले लोगे तो उसमें भी थोड़ा सा ही फ़ायदा होता है, मतलब 3-4% रहता है, बट रहता है उसमें ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो आपको एक आइटम नहीं देगा। जैसे कि आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि भाई कैमलिन जो है, कैमलिन, डोम्स, नटराज, अप्सरा, फेबर कैस्टल, ये सभी जो ब्रांड है सभी स्केल बनाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक या तो दो दो पीस जो है सभी ब्रांड के चाहिए तो आप होलसेलर के पास से जाके वो ले सकते हैं, बट अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर एक एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो आपको 5 या तो 10 का जो उसका पूरा पैकिंग आता है वो ही देगा। तो आपको जो है इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टॉक ज़्यादा करना पड़ेगा, और अगर आपकी दुकान छोटी है तो वो भी थोड़ा सा स्पेस का भी इश्यू रहता है। बट अगर आप प्लानिंग करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उसके पास से भी आप माल खरीद सकते हैं और उसमें जो है आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट्स सस्ता पड़ेगा, तो आप 1-2 रुपये डिस्काउंट देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, जिससे कि आपका ओवरऑल जो है प्रॉफिट या तो सेलिंग जो है बढ़ जाएगा और बिजनेस भी आपका बढ़ सकता है। तो यहाँ पे ये जो वीडियो है उसके बेस पे आप अपना शॉप शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 35% जो है वो एक्चुअल में अगर मे भी दिल्ली से आप लेते हो तो शायद मिलता होगा, बाकी मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ तो 35% कहीं पे नहीं होता है, मैक्सिमम 20 से 25% ही रहता है प्रॉफिट मार्जिन। उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा सीखने के लिए और R&D करने के लिए अमेज़ोन जो है उसका बेस्ट सेलर का ऑफिस प्रोडक्ट्स का सेक्शन है, वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो है कौन कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं। तो अब दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको 25% के आसपास ये आपको होलसेल रेट में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो आपको वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो है लोग एक पेन लेते हैं, एक पेंसिल लेते हैं, एक एक चीज़ें लेते हैं, तो वो आप ऑनलाइन वो चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते और उस तरीके से आप ऑनलाइन बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। और उसके अलावा ज़्यादातर कंपनियां जो है या तो डिस्ट्रीब्यूटर या तो उस टाइप के बड़े बड़े जो होलसेलर रहते हैं वो भी
यहाँ पे बेचते हैं, तो उनको कॉम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी आप एक दो प्रोडक्ट ऐसे ही पकड़ लें जो आपको 40% के आसपास उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता हो, तो उसको जो है आप इस ऑनलाइन पे जो है बेच सकते हैं। फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर आपको ऑनलाइन बेचना है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट कैंसिल भी होते हैं, प्रोडक्ट रिटर्न भी आते हैं, डैमेज भी होते हैं, और जो है आपको पैकेजिंग का खर्चा है वो भी एडिशनल होगा, कुरियर का जो है वो भी खर्चा आपको लगेगा। तो प्रोडक्ट पैक करना, फिर उसको कुरियर करना, तो उस सब चीज़ों में टाइम लगता है, और अगर आप टाइम पे नहीं दे पाते हैं कस्टमर को तो वो सब चीज़ें भी इसमें इश्यू रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके की जो प्रोडक्ट्स है ऑनलाइन बिक रही है स्टेशनरी के रिलेटेड, सेम वे में आप खिलौने किस टाइप के बिक रहे हैं वो भी देख सकते हैं, और उसमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके होलसेलर जो है उसमें वो होलसेलर आपको कितने में देता है वो खिलौने जो है, या तो गिफ्ट आर्टिकल्स है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप के खिलौने भी ऑनलाइन बिक रहे हैं। तो इसमें से भी जो अच्छे खिलौने और कस्टमर को आपके एरिया की लोकेलिटी के हिसाब से कौन से कस्टमर है आपके, उसके हिसाब से कितने रेंज में आपको रखने खिलौने, वो भी आप यहाँ पे देख के जो है वो आइडिया थोड़ा सा लगा सकते हैं कि कौन से खिलौने हमको बेचने हैं। उसके अलावा खिलौनों के अलावा जो है गिफ्ट आर्टिकल्स रहता है, तो उसका भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। गिफ्ट आर्टिकल का अलग से नहीं है, तो उसको भी यहाँ पे आप डाल के जो है सर्च कर सकते हैं। तो स्टेशनरी बिजनेस जो है उसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि दो तरीके का होता है, कि आप जो है सिलेबस की किताबें बेच रहे हो या तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबें भी बेच सकते हैं, बट उसमें जो है आपको वो एक अलग टाइप की शॉप हो जाती है, और उसमें आपको पूरी रेंज रखनी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग एज के हिसाब से बुक्स अलग अलग आती है, फिर अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग जो है सिलेबस होता है CBSE का, लोकल बोर्ड का, और अलग अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से एवरी ईयर जो है उसमें सिलेबस चेंज होता रहता है, तो उसको वो एक वो भी स्टेशनरी बिजनेस ही बोल सकते हैं, बट वो एक अलग टाइप का बिजनेस है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। तो बेसिकली एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप अगर 1 लाख रुपये का माल एक महीने में बेचते हैं तो आपको जो है 25,000 के रुपये के आसपास आपको अर्निंग हो सकता है। एक महीने में अगर आप 1 लाख रुपये का माल बेच सकते हैं तो 25,000 में से अगर आपका भाड़ा 25,000 है तो आप समझ लीजिए कि आपको कितना माल जो है बेचना पड़ेगा। तो ये जो वीडियोस में दिखाया है कि 5,000 रुपये में स्टेशनरी बिजनेस जो है शुरू करो, तो ये बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि 5,000 रुपये में से आप फिर भाड़ा कैसे भरोगे, आपको माल तो बेचना पड़ेगा ना, तभी आपका भाड़ा निकलेगा। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप ये जो कंपनीज़ है आपके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट में जाके, और आपके एरिया में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं, और इनके आप देख सकते हैं बहुत सारे डोम्स जो है बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, डोम्स और क्लासमेट, वो भी मार्केट में बहुत चल रहा है, बच्चे जो है डायरेक्टली आके यही चीज़ मांगते हैं। उसके अलावा जो है तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर को आप ढूंढ लें, और उस इनिशियल स्टेज पे जो है यहाँ पे एक आप लिस्ट बना लें। वैसे मैंने एक लिस्ट पूरा हमने भी शॉप शुरू की है, तो ये एक पूरा एक लिस्ट बनाया है, और सभी प्रोडक्ट्स का होलसेल रेट क्या है वो भी यहाँ पे लिखा है, और उसको हम कितने में सेल कर रहे हैं वो भी यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमने स्टेशनरी के रिलेटेड चीज़ें खरीदी हैं, खिलौने खरीदे हैं, और उसके अलावा जो है हमने खरीदे हैं गिफ्ट आर्टिकल्स, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें जो है उसका होलसेल रेट और उसका सेलिंग रेट यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो उसमें से भी आप एक पूरा लिस्ट बना सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ से भी कोई आपको प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि ये भी मुझे रखना है तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और वैसे भी आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस मिल जाता है तो उसके ऑफिस में जाके भी आप डायरेक्टली वहाँ पे उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है वो देख के भी आप खरीद कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है हिंदुस्तान पेंसिल, उसकी अप्सरा और नटराज दो ब्रांड है, तो उसकी भी प्रोडक्ट्स जो है आपको यहाँ पे देख सकते हैं। पेंसिल बेचते हैं, प्रोफेशनल पेंसिल, इरेजर, शार्पनर बेचते हैं, किट,
चोक, इंस्ट्रूमेंट सेट और कलर पेंसिल। तो अभी यहाँ पे एक मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यह अभी मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं या तो स्कूल वाले होते हैं, वो इस तरीके की किट्स जो है वो मतलब अगर आपकी किट, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किट हम बेच सकते हैं, लोग जो है हमारे पास आके जो है ये किट लेंगे, बट प्रैक्टिकल या तो रियलिटी में ऐसा हुआ है कि जो स्कूल या तो जो भी लोग हैं इस तरीके की किट लेना चाहते हैं, तो इसमें 10 रुपये से लेके जो है 500 रुपये तक की किट आती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये की किट आती है छोटी वाली। तो ये जनरली डायरेक्टली लोग जो है आजकल होलसेलर को ढूंढ लेते हैं अपने सिटी में और वहाँ पे जाके ही ख़रीदते हैं। स्कूल वाले भी जो है होलसेलर के पास से ही ख़रीदते हैं। कोई ऐसे डोनर होते हैं जिनको स्कूलों में डोनेट करना है, तो वो भी होलसेलर के पास जाके ही, और होलसेलर जो है रिटेल में थोड़ा सा डिस्काउंट देके ये लोगों को ये जो है ये बेच देते हैं। तो इसको रखने का इतना फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप ट्राई करने के लिए रख सकते हैं। और अगर ये 1-2 महीने तक नहीं बिकता है तो इसकी जो अंदर जो सभी प्रोडक्ट्स है उसको आप निकाल के इसको अलग अलग करके बेच सकते हैं, कि भाई पेंसिल जो उसको अलग से बेच दिया, इरेजर को अलग से बेच दिया। तो अब हम भी यही करने वाले हैं। मैंने भी बहुत सारी किट जो है लेके रखी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिकेगा, बट अब लग नहीं रहा है कि ये बिकेगा। उसके अलावा जो है अप्सरा, और अप्सरा की भी पेंसिलें जो है बहुत बिकती है, अप्सरा नटराज के प्रोडक्ट्स जो है बहुत बिकती है। और उसके अलावा कैमलिन है, उसकी तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट की रेंज है, स्पेशली जो है कलर में इसका काफ़ी नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो है एडेसिव आते हैं, मतलब गम आते हैं, फिर ये ब्रश आते हैं, फिर ये क्ले, फिर ये पेन आती है उसकी, जियोमेट्री बॉक्स, मैकेनिकल पेंसिल, नोटबुक्स आती है उसकी, तो बहुत सारी आती है। तो इनको भी आप ईमेल करके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उसका लिंक, आप मतलब उसका एड्रेस जो है आप मांग सकते हैं। और चीज़ बता देता हूँ, आप डायरेक्टली गूगल में सर्च करोगे, जस्ट डायल में सर्च करोगे डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कैमलिन, या तो डिस्ट्रीब्यूटर या तो होलसेलर ऑफ स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, तो आपको जो है एग्जैक्ट एड्रेस सभी लोगों का मिलेगा नहीं, बट आपके सिटी में जो पुराना सिटी रहता है, या तो ओल्ड मार्केट रहता है, या तो इस टाइप का कोई इंडस्ट्री एरिया रहता है, वहाँ पे जो दिखा रहा है होलसेलर या तो डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके चांसेस है कि वो सही एड्रेस हो। अदरवाइज़ ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो इतना इंटरनेट मार्केटिंग नहीं करते हैं, वो बिज़नेस टू बिज़नेस उसका मार्केटिंग करने का होता है। तो उसके सेल्समैन होते हैं, ये उनके पास होलसेलर का लिस्ट रहता है, तो वो डायरेक्टली होलसेलर के पास जाते हैं और उनको ही उनके पास जाके उनको मार्केटिंग करते हैं। तो उस वो एक चीज़ है, तो उनका एड्रेस आपको जो है कंपनी से डायरेक्टली आपको ढूंढना पड़ेगा, और होलसेलर जो है वो आप को इस तरीके से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जस्ट डायलर या तो ऐसी भी कोई भी बिज़नेस डायरेक्टरी रहती है ना, तो उसमें सभी जो लोकल शॉप भी होती है, रिटेल शॉप, वो भी ऐसा सिलेक्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं कि भाई हम होलसेलिंग भी करते हैं, रिटेलिंग भी करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। तो इस तरीके से आपको एड्रेस एग्जैक्ट ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आपका जो आपके सिटी या तो आपका नियरेस्ट जो बड़ा सिटी है उसके अंदर जो पुराना मार्केट होता है, ज़्यादातर केस में होलसेलर्स जो होते हैं वहाँ पे ही होते हैं। तो अगर आप होलसेलर को ढूंढ रहे हैं तो वो एरिया में आप होलसेलर को ढूंढे तो चांसेस है कि आपको इजीली मिल जाए। उसके अलावा कैमलिन है, उसके अलावा लग्जर करके एक है, तो वो लोग जो है पेन बेचते हैं, उसकी डायरी आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके पेन्स आती है, बहुत बढ़िया पेन आती है, तो वो आप रख सकते हैं। फिर यूनिबॉल करके है, उसकी भी बहुत ही बढ़िया पेन आती है, आप देख सकते हैं ये वाली थोड़ी सी महंगी पेन आती है, और उसके मार्कर भी आते हैं, तो वो भी आप बेच सकते हैं। उसके अलावा क्लासमेट जो है आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, क्लासमेट, अप्सरा, डोम्स, तो उनकी जो बुक्स है, नोटबुक्स है, फुल स्केप नोटबुक्स, छोटी नोटबुक्स, फिर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स है, जियोमेट्री बॉक्स है, फिर उसकी मैकेनिकल पेंसिल आती है, उसकी पेन आती है, फिर उसका स्टेशनरी किट्स आती है, और पज़ल मतलब मार्केट में अभी आई नहीं है, ये दिखा रहा है पर। तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर से रखें, क्लासमेट बहुत मार्केट में चल रहा है, क्लासमेट और डोम्स। उसके अलावा जो है नवनीत, जो है नवनीत की एक्चुअल में 4 अलग अलग ब्रांड है, अलग अलग नाम है, और उसके जो है 4 ब्रांड के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर रहते हैं। वैसे होलसेलर तो अलग नहीं होते हैं, होलसेलर के पास से आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, बट डिस्ट्रीब्यूटर सबके अलग होते हैं। तो जैसे युवा है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा, तो युवा के अंदर जो है वो लोग
मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो उसकी युवा की जो है नोटबुक्स आती है, फिर उसकी जो है एक सेकंड, फिर उनकी पेंसिल आती है, नोटबुक्स आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स है। इसकी ज्योमेट्री बॉक्स आता है, फिर ये ज्योमेट्री, फिर ये कंपास आता है उसका। तो इस तरीके की चीज़ें युवा नवनीत का ये ब्रांड है। इसका एक डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है जो मुझे मिल गया है। फिर उसका एक अच्छी करके एक ब्रांड आता है, इसके अंदर भी ये अलग अलग टाइप की डायरी और उस टाइप की चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद जो है उसका विकास करके एक ब्रांड है, तो उसके अंदर ये आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की बुक्स और वो सब बनाते हैं। फिर उसके अलावा एक और ब्रांड है इसका, ग्रेफेल को, तो उसके अंदर भी इस टाइप की अलग अलग बुक्स ये लोग बेचते हैं। इसके 4 से 5 अलग अलग ब्रांड हैं, तो उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा। उसके अलावा रेनोल्स करके कंपनी है, तो वो पेन बनाती है। वैसे ये मैंने इसकी कोई परचेजिंग खास की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड की ऑलरेडी मैंने पेन जो है सेलो की ले ली है, सेलो और यूनिबॉल, फिर पार्कर है, क्लासमेट की पेन्स कुछ रखी है, वो भी बहुत मार्केट में चलती है, मोन्टेक्स की रखी है। उसके अलावा जो है पीडी लाइट, तो इसके जो है कलर्स आते हैं, कैमलिन के भी कलर्स रख सकते हैं, कोई भी एक ब्रांड के रखें, सब ब्रांड के रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके भी जो है एक्रेलिक कलर आते हैं, फिर वाटर कलर जो आते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं, इसके अलग अलग कलर आते हैं। और इसके जो है गम भी आते हैं, फेविकोल और वो सब चीज़ें, तो वो भी आप रख सकते हैं। उसमें ऐसा है कि सभी ब्रांड के कैमलिन की भी आते हैं और बहुत सारे अलग अलग कंपनी के भी ग्लू आते हैं, तो कोई एक ब्रांड का ही रखें, सब ब्रांड के रखने की कोई खास फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसको भी आप रख सकते हैं, और इस इनकी वेबसाइट के थ्रू आप उसका डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको ढूंढ सकते हैं। फिर उसके अलावा फेबर कैस्टल जो है वो उसकी भी चीज़ें मार्केट में अच्छी चलती है, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, उसके कलर्स चलते हैं मार्केट में, उसकी मैकेनिकल पेंसिल जो है वो भी चलती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर मुझे भी अभी तक शायद मिला है कि एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना, वो 3-4 कंपनी की चीज़ें, 3-4 कंपनी की जो है एजेंसी लेके बैठा होता है। तो एक को आप ढूंढोगे तो उसके पास ऐसा होगा कि और भी कंपनी की एजेंसी होगी। तो आपको जो है इसको भी मैंने ईमेल किया था, इसका कोई रिप्लाई नहीं आया था, बट क्लासमेट वालों को किया था। वो जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसके पास कैमलिन का भी एजेंसी था, उसके पास जो है रेनोल्स का एजेंसी था, तो ऐसी 3-4 एजेंसी लेके वो बैठा था। तो इस तरीके से जो है आप ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इनिशियल स्टेज पे जो है कलर प्रिंटर आप ले लें, और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर जो है ले सकते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट जो है उसमें आप लेज़र प्रिंटर ले सकते हैं, क्योंकि कलर लेज़र प्रिंटर बहुत महंगा आता है, और कलर जो है उसमें ये आप ये वाला जो है ये ले सकते हैं लेज़र प्रिंटर। और उसके अलावा ये वाला जो है कैनन का कलर प्रिंटर आता है, एक तो ये 2010 करके एक आता है, और ये भी बहुत पॉपुलर है, L380। वैसे ये इंकजेट प्रिंटर है तो थोड़ा सा स्लो रहता है, तो इनिशियल स्टेज पे अगर आपके पास कम कस्टमर है तो उसके लिए चलेगा, बट कस्टमर जो है अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये बहुत ही स्लो चलता है, तो आपको फिर लेज़र प्रिंटर या तो फिर 1-1.5 लाख का जो है जेरोक्स मशीन पूरा आता है, कलर जेरोक्स मशीन, वो लेना पड़ेगा। अगर आपके पास बहुत कलर प्रिंटिंग वाले आते हैं तो ही ले, अदरवाइज इनिशियली जो है 6 महीने इससे ही काम चला ले, 6 महीने 1 साल। फिर कैनन जो है उसके इस टाइप के मशीन आते हैं, जेरोक्स मशीन। अब ये लोग जो है इंडिया में जो है सेकंड हैंड ही मिलते हैं, इसके जो है आपको ब्रांडेड न्यू जो है कहीं से मिलेंगे नहीं। ये लोग मतलब ये जो बेचने वाले होते हैं ऐसा बोलते हैं कि ये नए हैं, बट उसमें क्या होता है कि विदेशों में यूरोपियन कंट्री या तो यूएसए जैसी कंट्री में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नए मशीन जो है स्कूल या तो ऑफिसेज लेते हैं, और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाने के बाद वो मशीन जो है वो फिर वो कंपनी को दे देते हैं, और वो कंपनियां जो है वो इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया नेपाल जैसी कंट्री में उसको बेच देते हैं। तो इस टाइप की जो मशीनें हैं आपको उसके भी सेलर जो है मिल जाएंगे, आप उसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे बहुत सारे सेलर मिलेंगे। तो आपको उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने भी नहीं लिया है,
तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊँगा। बाकी आप स्टार्टिंग में जो है एक ब्लैक एंड व्हाइट लेज़र प्रिंटर और कलर इंकजेट प्रिंटर जो है कैनन का और एचपी का लेज़र प्रिंटर जो है आप ले सकते हैं। और उसके अलावा ये सब चीज़ें जो है आप लेने के बाद आपके एरिया में जो है गिफ्ट आर्टिकल्स कौन सेल करता है होलसेल में या और टॉयज़ जो है खिलौने वो कौन सेल करता है तो वो भी आप सर्च कर लें। और ध्यान रखें टॉयज़ में, मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बता देता हूँ कि टॉयज़ में है जो है ऐसी चीज़ें ना लें कि जिसके अंदर जो है सेल आता है, बैटरी आती है, क्योंकि अगर वो बिकेगा नहीं तो वो बड़े बड़े ख़राब हो जाएगा। और चाइना के ही खिलौने आते हैं, ब्रांडेड खिलौने ईजिली नहीं मिलते हैं, तो चाइना के खिलौनों में कोई गारंटी नहीं आती है, तो अगर वो पड़ा रहेगा खिलौना तो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। फिर उसके अलावा जिस खिलौने में जो है पानी आता है, जेली आती है, तो उस टाइप के खिलौने भी आप इनिशियल स्टेज पे ना लें, क्योंकि वो भी पड़े पड़े जो है ख़राब हो जाएंगे। फिर जो लाइट वाले खिलौने आते हैं, LED लाइट वाले, उसको भी ना लें, उसमें भी बैटरी आती है, वो भी ख़राब हो जाएंगे। फिर मैकेनिकल खिलौने आते हैं तो वो भी ना लें। तो आप कौन से खिलौने रख सकते हैं, तो जैसे कि आप व्हिसल्स रख सकते हैं, बॉल्स रख सकते हैं, आप जो है क्रिकेट के बैट रख सकते हैं, हॉकी रख सकते हैं, आप बैडमिंटन रख सकते हैं, फ्लाइंग डिस्क जो आती है वो रख सकते हैं, आप जो है वो पजल रख सकते हैं, फिर व्यापार करके आता है वो रख सकते हैं, जेंगा करके आता है वो रख सकते हैं, फिर एनिमल के मॉडल्स आते हैं वो भी रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो पड़ी पड़ी 2 साल पड़ी रहे तो भी ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ें ही रखें, क्योंकि चाइना की चीज़ों में कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं है, तो वो उसको हमेशा ध्यान रखें। और उसके अलावा एक आप और सर्विस जो है स्टार्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको अर्निंग हो, तो आप जो भी स्टेट में हो उसमें गवर्नमेंट की वेबसाइट रहती है कि गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना हो आपको, उनकी वेबसाइट के थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी भी आप सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 1 रुपये में 3 जेरोक्स या तो प्रिंट आउट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें करने का आपके पास समय नहीं रहेगा। तो अगर आपको खिलौने भी बेचने हैं, आपको वो गिफ्ट आर्टिकल बेचना है, स्टेशनरी भी बेचना है और आपको ये सब चीज़ें भी करनी है, तो आपको फिर जेरोक्स जो है वो आपको 2 रुपये की एक के हिसाब से ही करनी पड़ेगी, तो ही आपको समय मिलेगा ये सब चीज़ें करने के लिए। तो इसमें जो है आप एक जॉब के लिए, तो इसके भी मैं अभी वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ क्या क्या करना है और अलग अलग स्टेट में कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लोग जो है आपके पास आएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होता है या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है जॉब को अप्लाई करने के लिए, और बहुत सारे लोग जो है उनके पास काफ़ी पैसे रहते हैं तो ये सब जो डेटा एंट्री जैसा काम है वो करना नहीं चाहते, तो आपको एक जॉब अप्लाई करने के लिए 50-60 रुपये तक जो है वो लोग दे देते हैं। वो आपकी लोकेलिटी कैसी है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें, और आप जो है ईयरली पैकेज भी बना सकते हैं कि एक बार उन लोगों ने 1000-2000 रुपये आपको दे दिए, फिर साल में जो जो भी जॉब आएगी उस सभी जॉब में आप उसका जो है बायोडाटा डाल के उसको अप्लाई कर देंगे। तो वो सब चीज़ हम नेक्स्ट जो उसका एक अलग वीडियो सीरीज़ होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीज़ है आपको जो है स्टेशनरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, रिटेल बिजनेस जो है स्टार्ट करने के लिए आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो है पूरा एक मैंने ये PDF फाइल जो है हमारा कौन कौन सी प्रोडक्ट्स जो है हमने खरीदी है उसका एक बनाया है, तो अगर आपको ये चाहिए तो मैं एक फॉर्म जो है एक बता देता हूँ, तो आपको अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, तो जो फॉर्म भरेगा उसको ही मैं ये भेजूँगा, उसके लिंक जो है फॉर्म के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो इससे आपको एक प्लानिंग करने में आइडिया रहेगा। तो अंदाजित जो है ये 1.25 लाख रुपए का टोटल माल हमने ख़रीदा था, तो इसमें भी प्रिंटर हमने नहीं ख़रीदा है और जेरोक्स मशीन भी अभी ख़रीदना बाकी है, तो इतना माल जो हमने ख़रीदा है, तो इसके बेस पे आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको जो है कौन कौन सी प्रोडक्ट्स रखनी है और कौन कौन सा माल जो है ख़रीदना है। और चीज़ बता देता हूँ कि रिसेंटली जो है कागज़ जो होता है प्रिंट आउट या जेरोक्स के लिए, उसकी प्राइस में बहुत ही बढ़ावा हो गया। पहले होलसेल रेट में 160 में मिलता था, तो उसका प्राइस जो है एकदम से बढ़ के जो है विदाउट बिल जो है आपको 190 में पड़ता है, विथ बिल जो है 205-210 रुपये में लोग बेचते हैं। तो 1 रुपये में 3 जेरोक्स प्रिंट आउट करने का वैसे भी ज़माना जो है चला गया है, और जेरोक्स में अभी बहुत कंपटीशन रहता है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि
जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में कमज़ोर रहते हैं, और गांव से जो लोग सिटी में पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो शादी करने के लिए जो बिज़नेस शुरू करते हैं, ज़्यादातर लोग इस टाइप के लोग जो है वो स्टेशनरी या तो जेरोक्स का ही बिज़नेस जो है शुरू करते हैं। तो वो भी आपके एक टाइप के कॉम्पिटिटर हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और इस टाइप की कोई आपने बड़ी डिग्री ली है, फिर ये आप अगर शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपना भी आइडिया लगाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें जो है। आपको एक मतलब 6 महीने 1 साल का थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लें जो जो चीज़ें मैंने बताई है, और उसके बाद जो है आप सीजनल चीज़ें जो होती है, दिवाली पे बिकने वाली, नवरात्रि पे बिकने वाली, जन्माष्टमी पे बिकने वाली चीज़ें जो रहती है, न्यू ईयर पे बिकने वाली चीज़ें, वैलेंटाइन डे होता है उस पर जो चीज़ें बिकती है, उसको भी आप बाहर जो है आपकी शॉप के आसपास में टेबल लगा के बेच सकते हैं, और आपका जो है मार्जिन थोड़ा सा, मतलब आपका दुकान का भाड़ा, टैक्स वैक्स सब चीज़ें निकाल के जो भी पैसा बचता है उसमें, अगर आपको आप मतलब जैसे कि 40-50 हज़ार अगर आप कमाना शुरू कर देते हैं, फिर आप एक आदमी को भी रख सकते हैं 5,000 रुपये, या तो 1,500-2,000 में आपको स्टूडेंट्स जो होते हैं, 12वीं के स्टूडेंट होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो उसको भी रख के जो है आप थोड़ा सा अपने बिज़नेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़, आप जो है इसमें टूरिस्ट वीज़ा जो रहता है उसका भी बिज़नेस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, उसके भी वीडियो सीरीज़ में बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं भी उसमें भी सीख ही रहा हूं मैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि आपको जो है कैसे करना है। तो ये जो वीडियोज़ है उसके बेस पे आप अपना रियल स्टेशनरी बिज़नेस जो है शुरू नहीं कर सकते हैं, और आप जो है लोकल मार्केट को टारगेट करें, होलसेल मार्केट को, और डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, तो मैं हमें जितना टाइम मिलेगा उसके हिसाब से जो है आपको उसमें रिप्लाई देता रहूँगा। और अगर आपको ये वाली जो है PDF फाइल चाहिए, तो आपको मैं एक फॉर्म देता हूँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक, उसको आप भर दें, तो वो आपको जो ईमेल आईडी होगा वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।